ये कहानी एक छोटे से गांव में वाकया एक कदीम स्कूल की है। इस स्कूल की तमीर बरतानवी दौर में हुई थी और ये स्कूल गांव के बाहर घने जंगल में था। वहां पर दरख्त ही दरख्त थे। गांव के बच्चों को इस स्कूल में जाते हुए बहुत डर लगता था और वो सभी वहां पढ़ना भी नहीं चाहते थे, लेकिन इस गांव में कोई दूसरा स्कूल भी नहीं था और आसपास के गांव में भी कोई स्कूल नहीं था, इसीलिए बच्चों को मजबूरी में इसी स्कूल में पढ़ने जाना पड़ता था। आलिया जल्दी करो, स्कूल जाना है, देर हो रही है। सॉरी नेहा, मैं आज स्कूल नहीं जा रही, मेरे पेट में दर्द है। ये लो मेरी एप्लीकेशन, पूरे एक हफ्ते की है, ये मैडम को दे देना। आलिया स्कूल में बहुत इम्पोर्टेंट क्लासेस चल रही है, अगर तुम ये क्लास मिस कर दोगी तो तुम्हारा नुकसान होगा। यार मेरी तबीयत खराब है, अब तुम जाओ प्लीज। नेहा कुछ देर बाद स्कूल आ गई और आलिया की एप्लीकेशन भी दे दी। आलिया की एप्लीकेशन देखकर क्लास टीचर हंसी और कहने लगी, आलिया को क्या हो गया है, वो तो इतनी अच्छी स्टूडेंट थी, कभी स्कूल से छुट्टी नहीं करती थी। इसकी पहली एप्लीकेशन भी इसीलिए एक्सेप्ट की गई थी क्योंकि वो छुट्टियां ही नहीं करती थी, लेकिन अब मजीद छुट्टियां, ये एप्लीकेशन बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होगी। मैडम आलिया की तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए वो छुट्टियां कर रही है। ठीक है, अगर उसकी तबीयत नहीं ठीक तो कोई बात नहीं, कल वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट के साथ स्कूल आएगी, उसे बता देना। फिर नेहा जो कुछ क्लास टीचर ने कहा था वो सभी कुछ आकर आलिया को बता देती है। नेहा की बात सुनकर आलिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है। आलिया सब ठीक तो है ना, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? और तुम्हारी अम्मी भी बता रही थी कि तुम्हारी तो तबीयत खराब ही नहीं है और तुम अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकल रही, हुआ क्या है तुम्हें? तुम ये जानना चाहती हो ना कि मेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? तो ठीक है, कल तो 12 बजे इस स्कूल के पिछले हिस्से में जाना, वहाँ एक दरख्त है, वहाँ जाकर खड़ी हो जाना, उसके बाद तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा कि मैं स्कूल से छुट्टियां क्यों कर रही हूँ। स्कूल का नाम सुनकर मेरी ये हालत क्यों हो जाती है नेहा, मैं पढ़ना ही नहीं चाहती, अगर तुम भी स्कूल में पढ़ना छोड़ दो तो मेरा नाम बदल देना। क्या सच में स्कूल का नाम सुनकर उसकी ये हालत होगी? मगर क्यों, उसने बताया नहीं? वो कह रही थी अगर 12 बजे के बाद स्कूल के पीछे वाले हिस्से में जो दरख्त है उसके नीचे खड़ी हो जाओगी तो उसके बाद तुम भी स्कूल जाना छोड़ दोगी। 12 बजने में अभी 20 मिनट बाकी हैं। अगर आलिया ने ऐसा कहा है तो हमें वहां जाकर देखना चाहिए, आखिर ऐसा क्या है जिसे देखने के बाद हम सब स्कूल आना ही छोड़ देंगे। इस स्कूल में हमें भी डर लगने लगा है, आखिर स्कूल का राज क्या है, वहां जाकर ही तो पता चलेगा, चलो सभी चलते हैं। फिर वो तीनों दोस्त 12 बजे का इंतजार करते हैं और जब 12 बजने में 5 मिनट बाकी थे तो वो तीनों फौरी तौर पर स्कूल के पिछले हिस्से में पहुंच जाती हैं और वहां जाकर खड़ी हो जाती हैं। यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है, चारों तरफ तो दरख्त ही दरख्त हैं और तो कुछ नहीं यहां। अगर तुम्हें लग रहा है कल कि कल से तुम स्कूल नहीं आओगी, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा जिसे देखकर हम डर जाएंगे और स्कूल आना छोड़ देंगे कि तभी एक जोरदार घंटी की आवाज आती है। इसके बाद दोपहर में अंधेरा छा जाता है। ये देखकर तीनों बहुत ज्यादा डर जाती हैं और स्कूल एक खंडर में तब्दील हो जाता है। जोर जोर से बच्चों के पढ़ने की आवाजें आने लगती हैं। ये देखकर तीनों थर थर कांपने लगती हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। अचानक हमारे स्कूल में अंधेरा कैसे छा गया और हमारे स्कूल की इमारत खंडर में क्यों तब्दील हो गई? ये बच्चों के पढ़ने की आवाजें कहाँ से आ रही है? तुम तीनों यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं, अगर उसे पता चल गया तुम्हारी खैर नहीं, चुपचाप अब जल्दी से क्लास में जाकर बैठ जाओ, तुम्हें उसकी क्लास मिस नहीं करनी चाहिए।